वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय सर्वप्रथम महिला पहलवान अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जहां विश्व स्तरीय विश्व कुश्ती पहलवान के सबसे पहली उम्मीदवार झारखंड के गौरव को बढ़ाती हुई एक ऐसी आदिवासी लड़की, एक आदिवासी बेटी, एक ट्राइबल लड़की की आज मैं बात कर रहा हूँ जिसने विश्व स्तर पे अपना एक जगह बनाया, कुश्ती में सबसे पहला कीर्तिमान स्थापित किए, झारखंड के नाम को गौरव को बढ़ाने में, आदिवासी समाज के गौरव को बढ़ाने में, हम सभी के गौरव को बढ़ाने में सबसे पहला योगदान दिया। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज इंटरनेशनल रेसलर की बात कर रहा हूँ जिसने भारत समाज में आदिवासी ट्राइबल इतिहास में अपना एक इतिहास रच दिया। मैं बात कर रहा हूँ चंचला कुमारी, रांची के होतवार विलेज में जन्म ली हुई चंचला कुमारी। तो जो तो ही कुछ जोहार मिथिल सर यूट्यूब चैनल है सलम को सगुंदरम। तो जस्टी बांग बिलोंग करते, चलो वीडियो को स्टार्ट करते। जो दी आप एक नतुन नवा गया रे मान इस चैनल रे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे ताकि ऐसे ही आपको अपडेट फटाफट मिलता रहे। तो चलो बात करते हैं चंचला की। चंचला जो कि रांची के होतवार विलेज में जन्म लेती, एक छोटे से आदिवासी परिवार में जन्म लिए चंचला कुमारी, जो विश्व में सबसे पहली महिला पहलवान उभर के सामने आती है झारखंड से। इनकी पूरी कहानी बता रहा हूँ सफलता की, कि कैसे ये विश्व स्तर पे खेलने जा रही है पहलवानी, कुश्ती, रेसलिंग, इंटरनेशनल स्तर पे कैसे पहुंची, क्या इनकी कठिनाइयां था जीवन में, ये सब आज आपको पूरी तरह से गौरवान्वित महसूस कराएगी और आपको प्रतिभा में भाग लेने के लिए ऐसे युवाओं को सामने लाएगी। इसके लिए इस वीडियो के अंत में आपको कुछ खास मैं आपको बताने वाला हूँ। चला जो कि रांची के होतवार विलेज में रहती है, जिसके पिता नरेंद्र पुखान जो कि एक आदिवासी एक किसान है और प्लम्बर का काम किया करते हैं, इनकी माता जी गृहिणी है, इनके एक बड़े भाई और दो बहनें हैं जिसमें एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन है। एक छोटे से आदिवासी परिवार में जन्म लिए मात्र 14 वर्ष में इतिहास रचने चली है और भारत की सबसे पहली, झारखंड की सबसे पहली महिला पहलवान बन करके भारत के इतिहास में भारत की तरफ से गौरव बढ़ाने जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ उसी चंचला कुमारी का जिनका जन्म रांची में हुआ था। जी हाँ, जिन्होंने कैसे अपना शुरुआत किया मात्र 14 वर्ष में, 2016 ईस्वी में इनकी ताकत को देखते हुए एक कोच ने इनके जब इनके हुनर को देखा तो उन्होंने उनके हुनर को सराहना देते हुए उनका ट्रेनिंग स्टार्ट की। कोच इनका बबलू सर, ये जो कोच आप देख पा रहे हैं बबलू सर ने इनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण स्टार्ट किया। इनका प्रशिक्षण बेसिक लेवल से होतवार के स्पोर्ट एसोसिएट से ही स्टार्ट होता है। इन्होंने एक वर्ष का ट्रेनिंग साई से भी, साई लखनऊ से भी किया, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लखनऊ से भी एक साल का प्रशिक्षण किया। साथ ही साथ बबलू सर का साथ इनके साथ हमेशा बना रहा। इनको झारखंड स्टेट स्पोर्ट एसोसिएशन प्रमोशन एसोसिएशन के तहत और CCL कोलफील्ड सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के तरफ से भी काफ़ी सहयोग मिला। इनका प्रशिक्षण चलता रहा 2016 से 2017 से इन्होंने अपनी प्रतिभाएँ दिखाना स्टार्ट की कुश्ती में। कुश्ती में इनकी प्रतिभा इतना उभर के सामने आई, इन्होंने हरियाणा जैसे हरियाणा और MP के साथ सब जूनियर स्तर पे नेशनल स्तर पे खेलना स्टार्ट किया। यहाँ पे इन्होंने 2017 में कई रजत पदक सिल्वर मेडल से भी इनको सम्मान प्राप्त हुआ, लेकिन 2017 इनका फेलुअर और सक्सेस का सबसे पहला कारण बना। 2017 में खेल के दौरान एक लड़की इनको हरा देती है, ये फाइनल तक नहीं पहुंच पाती है। यहाँ पे इनकी प्रतिभा बहुत झुक जाती है और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा फीका समझती है, लेकिन इनके कोच इनके प्रतिभा को इनके हौसला को बढ़ाते हुए इनको बोलते हैं कि हर हार के बाद जीत मिलता है, कोशिश करने वालों की कोशिश कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हार का जो जीतता है वही असली बाजीगर कहलाता है। तो ये हार जाती है, जिस लड़की से ये हारती है, गर्व की बात है कि 2018-2019 में हुए कुश्ती पहलवानी मैच में ये सबसे पहले हरियाणा को बीट करके उस लड़की को भी हराती है और MP को हरा करके विश्व स्तर में अपना एक जगह बनाती है, विश्व स्तरीय में अपना जगह बनाती है। और इनको मौका मिलता है दिल्ली ट्रायल्स में जाने का, आज से कुछ दिन पहले ही इनको दिल्ली ट्रायल्स में जा करके मौका मिला और यहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई होती है और भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल रेसलर के रूप में इनका सिलेक्शन हो जाता है। 19 जुलाई से 25 जुलाई यानी आज से कुछ दिन बाद ही इनकी विश्व स्तरीय चैंपियनशिप इंटरनेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में ये भागीदारी लेगी, भारत को और झारखंड के स्वाभिमान को आगे बढ़ाने के काम कर रही है लड़की। इतनी छोटी सी उम्र में जो बड़ा काम किया, 19 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में जो कुश्ती होने वाली है, मैं बता दूं वो फॉरेन कंट्री हंगरी में होने वाला है,
जहां पे बुडापेस्ट नामक स्थान पे इनका कुश्ती चैंपियनशिप होगा, जहां पे अलग अलग देश के रिप्रेजेंटेटिव जूनियर कुश्ती रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, उनमें इनकी भी भागीदारी होगी। देखते हैं ये हमारे झारखंड का गौरव को कितना हासिल करती है और हमें भारत के नाम के गौरव को बढ़ाने में और दोबारा गोल्ड मेडल दिलाने में कितनी बड़ी योगदान देती है। तो इनकी सफलता का वजह बना इनका एक हार, जिस लड़की से इन्होंने हारा उस लड़की को हराया और अपना एक जगह बनाया और भारत के इतिहास में सबसे पहली झारखंड की पहली महिला पहलवान बन करके दिखाया। आपने गीता और बबीता का बात सुना होगा, हरियाणा का मूवी भी देखा होगा। उस गीता और बबीता के इतिहास को दोहराती हुई चंचला कुमारी, जिनका पिता नरेंद्र पोखान जो मैंने आपको बताया, उन्हें इतिहास रच दिया और इतिहास के पन्नों में अपना सुनहरे अक्षरों में नाम लिख दिया। सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं, गौरव किया हमारे देश के, हमारे राज्य के, राज्य सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इनको सराहना दिया। इनको पूरी सहयोग करने की पूरी सपोर्ट इनका हमारे झारखंड मंत्रियों का है। हमारे कुश्ती के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह का भी पूरा सपोर्ट इनके साथ है और हम सभी आदिवासी भाइयों से भी उम्मीद करूंगा इस वीडियो को गर्व के साथ एक लाइक और शेयर करके इनका सपोर्ट बनाए रखेंगे और गर्व के साथ हमारे युवा पीढ़ी तक इस बात को जन जन तक पहुंचाएंगे। और आज के वीडियो को जो मैंने आपको बताया कि अंत में आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे ऐसे प्रतिभाओं को आगे उभर के सामने आएंगे। चंचला को तो बबलू सर मिल गया था, लेकिन हर किसी को तो बबलू सर नहीं मिल सकते, तो उन्हें कौन सपोर्ट करेगा, वो कैसे आएंगे। ऐसे कई संथाली आदिवासी हमारे परिवार हैं, जे ऐसे युवाए हैं जिनमें प्रतिभा तो है लेकिन उनकी प्रतिभा उभर के सामने नहीं आ पा रही है। तो इसके लिए क्या किया जाए, आपको अगर ऐसा कोई भी प्रतिभावान व्यक्ति, पुरुष, महिला, लड़की कोई भी ऐसा दिखता है तो आप उसका एक वीडियो फुटेज बनाएं, उसका एक वीडियो शूट करें, उसका कुछ बात उनकी जानकारी ले, वो क्या करती है वो दिखाते हुए आपके आसपास में वो दिखाते हुए वीडियो बनाएं और मेरे इंस्टाग्राम mithil_sir में उस वीडियो को भेजें उनकी जानकारी देते हुए। मैं इस वीडियो के माध्यम से उनकी जानकारी जन जन तक पहुंचाऊंगा, शायद वो किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए हमारा वीडियो जिसके माध्यम से उनको भी एक मौका मिल सके, उनके प्रतिभा को भी सम्मान दिया जा सके, जैसे चंचला कुमारी हमारे देश, हमारे झारखंड की गौरव को बढ़ा रही है। तो इस वीडियो को आप अंत लाइक करेंगे और इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे ताकि ऐसे प्रतिभाओं को मौका मिल सके। तो दोस्तों से इतना ही प्रार्थना करूंगा कि इस वीडियो को आप गर्व के साथ एक लाइक और शेयर करेंगे ताकि हमारे आदिवासी संथाल समाज में जो आदिवासी लड़की उभर के सामने आई चंचला कुमारी, वैसे लड़की वैसे लड़के और भी हैं लेकिन उनके प्रतिभाओं को भी सम्मान दिया जा सके। तो सनम को ज्योति के जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय हो।